मोहम्मद इशराफ। कौन सी जगह, कौन थाना है ये? सराय का भाई, ये तो कब्रिस्तान है, मैदामिल, मैदामिल के बराबर में कब्रिस्तान है ये, थाना कटघर। क्या मामला है, क्या जवाब? कुछ नहीं, कुछ लोगों ने पहले से चला रिया है कि आपस में केस लड़ते हैं और नकली कागज बना के आ जाते हैं, पुलिस में आ जाते हैं, पुलिस देखती है, जब हम आते हैं अपने कागज दिखाते हैं, ऊपर दरख्वास्त देते तो भाग जाते हैं। ये आए दिन का हिसाब बना रखा लोगों ने कुछ। समय पहले कौन आया था? अभी 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को आए थे कुछ लोग और ट्रक लेके आए थे, रेता है था बनाने के लिए। जब वहां पे आए हम तो भाग गए, ट्रक ट्रक ले, जैसी भी मशीन थी, ईंटों की ट्राली सब लेकर गए, छोड़ भाग गए, सब भाग गए। आपने क्या मदद दे रखी, कहाँ का शिकायत दे रखी थी, कहाँ दे रखी थी? हमने डीएम में क्या नाम, मोहम्मद आसिम, और ये हमारा खानदानी कब्रिस्तान है और 100 साल से ज्यादा से हमारे ही पास है, जिसमें अभी 23 अप्रैल में कुछ लोग जेसीबी लेकर के और ईंटें वगैरह लेकर इस पे जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आए थे। तो यहाँ के कुछ लोग इकट्ठे हुए और हम हुए, तब वो यहाँ से भाग गए और उसमें 2-4 लोग कटघर थाने में चले गए। ये एरिया कटघर थाने का लगता है। ये 23 अप्रैल में आए थे लगभग सुबह में, तो उसके बाद में जब हम यहाँ कोतवाल साहब के पास पहुंचे, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा ये हमारी जगह है, 306 दिखा रहे थे जबकि ये 307 है। तो उसमें कोतवाल साहब बोले इसे नपवा लो आप, दिखवा लो। तब उन्होंने हमसे दोपहर तक का टाइम लिया 23 अप्रैल में कि दोपहर को लेखपाल आ जाएगा, हम नपवा देंगे। लेकिन दोपहर तक कुछ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कहा परसों आ जाएगा, हमने ठीक है परसों, ठीक। तो परसों भी नहीं आया, उसके बाद वो आए नहीं।